हेलो एवरीवन दिस इज डॉक्टर ग्लैडिएटर हियर एंड टुडे वी आर बैक इन जी फाइव टू कस्टमाइज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट कार्स इन द गेम्स व्हिच इज ओबोमैट साइफर ये बेसिकली बेस्ड है बी एमडब्ल्यू एम टू पे डिफरेंट लेट्स नॉट गोइंग टू द ऑफ द इट्स बेस्ड ऑन सो दिस कार इट केम आउट विद दैट ट्यूनर्स अपडेट ठीक है भाई ट्यूनर्स अपडेट की गाड़ियों में ये है एक तो इनका आप स्टैंड चेंज कर सकते हो और दूसरा भाई इनकी कस्टमाइजेबिलिटी काफ़ी अच्छी आई थी so trade price 1.1 and वैसे 1.5 and since I have not done any emissions or something like that so I have to pay the full price 1.5 mil हमने दे दिया now let us go to the shop and customize the car so we are in the shop now अब यहाँ पे हमारी गाड़ी आ गई होगी भाई बहुत बहुत gorgeous गाड़ी है ये ठीक है like see oh my god भाई M2 तो सारी की सारी BMW एक तरफ not लेटेस्ट एम टू आई एम टॉकिंग अबाउट इससे पिछले वाली जितनी भी जनरेशन थी सारी एम टू जो माई कॉड सच गॉज कार माई भाई मतलब क्या बताऊँ मैं रॉक स्टार हैज डन अ वेरी नाइस जॉब मतलब मेरे को इस गाड़ी के डिजाइन लैंग्वेज से कोई शिकायत नहीं है बस हाँ जो रियर वाला जो पार्ट है ना वो थोड़ा 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 बेटर हो सकता था अगेन माइंड दैट आई एम एम्फोसाइजिंग ऑन थोड़ा इट इज़ लाइक इट इज़ वेरी गुड भाई मुझे तो बहुत प्यारी लगती है वाली गाड़ी एंड इट ड्राइव्स वेरी नाइसली एज वेल टॉप स्पीड इसका uh, बहुत स्ट्रॉग सूट नहीं है बट द वे ड्राइव्स इट्स वेरी गुड सो नॉ लेट इज स्टार्ट विद द कस्टमाइजेशन सो आर्मर फुल ब्रेक्स फुल बंपर्स सी वॉट वी हैव ओवर योर प्राइमरी ओके अगेन वी आर ट्राई टू कीप द कार एज क्लीन एज पॉसिबल देखो कुछ गाड़ियाँ जिसमें मेरा मन करता है आई हैव टू गो ऑल आउट बट नॉट एन ऑल ओके प्राइमरी वेज लुक्स गुड इसमें कार्बन है क्या इट लुक्स गुड लेकिन थोड़ा ऐसा लग रहा है कि सामने थोड़े दाँत से निकले बट कोई नहीं बीवटूथ ग्रिल भी तो है कार्बन वेज ही लगाते हैं उसमें मेरे हिसाब से तो प्रा कार्बन स्प्लेटर भी अच्छा लग रहा है वैसे ओके कार्बन स्पलेटर लुक्स गुड बट शुड गो विद काबन वेज प्राइमरी सेकेंडरी एंडल सेकेंडरी के साथ में देखता फिर कोई नहीं ओके okay. जीटी टी इतना खास लग नहीं था टॉक ही रखते हैं छोड़ो आज कवर्स वी हैव गॉड क्या हुआ थोड़ा सा बाहर आ गया स्टैंड्स में ना फेंडर आई डोंट इफ यू कैन सी थोड़ा सा बाहर आ गया इसके अंदर और इस जो बोल्टेड है उसमें बोल्ट और लगा के दिए हैं तो उसमें बोल्ट और दिख रहा है तो हम नॉर्मल रखेंगे इसको ना इसमें डिफ्यूज़र के अंदर ओके ये विंग तो अच्छा लग रहा है मेरे को अभी तक आई थिंक गोना गो विद विध सेकेंडरी रखें या फिर कार्बन कार्बन ही रखना चलो बाद में आई माइट हैव टू चेंज अगर अगर सामने मैंने कार्बन नहीं करा होगा कोई सेकेंडरी या प्राइमरी कर देगा तो आई माइट हैव टू चेंज थिंको विद्रोमो आई थिंक वी आर गोना गो विद क्रोम आई मीन सॉरी कार्बन ओवर हियर लेकिन नहीं स्टॉक स्टॉक stock अच्छा लग रहा है स्टॉक ही अच्छा लग रहा है एक अलग से एक बी का जैसे कवर आता है ना तो वो दिख रहा है तो इट लुक्स गुड स्टिकर बॉम्ब लगा दो इसमें <laughs> कार्बन स्ट्रट है कोई अच्छा सा क्या हमारे पास में जी टी भी अच्छा लग रहा है वैसे तो वैसे क्यों एक्स्ट्रा पैसे खर्च करें वैसे भी वी आर शॉर्ट ऑन मनी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई होप कि ये सारे के सारे जो हमें कस्टमाइजेशन करनी है ना वो आई जस्ट होप कि हो जाए

थोड़ा सटल भी लग रहा है परफॉर्मेंस hmm. तो भी अच्छा लग रहा है राइट लेट अस इंटीरियर में वैसे हम ज्यादा इंटीरियर में तो मेरे को चेंज करना नहीं है डैश ठीक है डोर इंटीरियर टाइप सीट्स भी माइट चेंज व्हील बस मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कि कौन कौन से ऑप्शन हैं वी आर गोना कीप द स्टॉक व्हील एंड द रीज़न वाई आई एम कीपिंग द व्हील स्टॉक इज बिकॉज एज द सेट कि भैया नॉर्मल बिल्ड रख रहे हैं हम गाड़ी की ना तो इस वजह से अगर देखो आपको रेसिंग बिल्ड करनी है तो वी कैन डू एट ओके नॉट लेट स्टार्ट विथ सीट्स सीट्स देखो भाई मेरे को बकेट सीट्स अच्छी लगती हैं इनकी ठीक है और वो भी फुल काबन में लेकिन रेड कलर में पता नहीं क्यों मेरे को है मेरे को अच्छी लगती हैं लेकिन पतली काबन की नहीं होनी चाहिए पर लेकिन इंटीरियर वाली सीट्स भी अच्छी लग रही हैं जो उसमें है लाइट्स जबरी मिरर्स कलर पहले इसका कलर चेंज करते हैं अगेन ब्लू कलर की और सिल्वर कलर की और ब्लैक कलर की डी सू बट नैट सिल्वर लुक्ट मुझे ही तीन कलर की एम टू अच्छी लगती है तो आई थिंको विद्लू ओवर एयर डैट टू मेटैलिक बी एम डब्ल्यू कहाँ गैलेक्सी ब्लू लुक्ट अब बट मो ब्लू दो बट गैलेक्सी ब्लू वो अलग ही दिख रहा था आई थिंको गैलेक्सी ब्लू एंड देन पर्लसेंट में हम इसको रेसिंग ब्लू शायद ऐड करेंगे भाई अलग ही लेवल पे लगता है वो फिर अल्ट्रा रे, ब्लू रेसिंग ब्लू ऐड करेंगे इसमें पर्लसेंट में गैलेक्सी ब्लू लुक्स लुक्सकट नाउ इसमें पर्लसेंट सेक्सॉन ब्लू ओके ये बुरी नहीं लग रही अभी अच्छी लग रही है डायमंड तो नहीं सर्फ भी नहीं नॉटिकल रेसिंग रेसिंग अच्छा लग रहा है वैसे तो दोबारा एक बार चेक करते हैं रेसिंग और उसको बैक करके चेक करते हैं अल्ट्रा लुक्स गुड ओके सेकेंडरी क्या है हमारा ओह oh, काफ़ी कुछ हाँ हमारा बम्पर सेकेंडरी वाला लगा लिया हमने पीछे वाला सेकेंडरी तो नहीं है कोई ना यू चेंज इट लेटर ऑन आई उन्होंने मैच द कलर ऑफ द मिररर्स विद लेकिन हमारा मिरर का और कोई ऑप्शन तो नहीं है या मैच या मैच कर लेते हैं मैच में भी अच्छा रहेगा छोड़ो ताकि अगर अलग से कार्बन ऑप्शन होगा कार्बन ज़्यादा हो जाएगा फिर सेक्सन ब्लू रखा था ना हमने शायद से नहीं सेक्शन याद में मुझे कौन सा ब्लू था कोई नहीं थोड़ा ऊपर नीचे हो गया कोई नहीं इंटीरियर्स गो विद ब्लीच्ड या ब्लैक या डार्क क्रीम रखें या डार्क रखें आई थिंक ब्लैक रखते हैं इसमें या क्रीम आई एम अ बिट कंफ्यूज क्रीम मुझे हमें वैसे अच्छा लगता है लेकिन ब्लैक भी अच्छा लग रहा है हम्म डार्क स्टील आगो में रखना ब्लैक ओके डायल कलर वो शर्ट दिस क्रीपी ओ माई गॉड दिस सो क्रीपी आई शर्ट दिस लुक्स वेरी क्रिपी ओके थोड़ा साइड से देखते हैं रोनोडो सीमा अब यार वाइट ही रखना है आई रोनडो सीमा है टीथ अगैन हुट पर वापस चलते हैं देखते हैं हुट कौन सा अच्छा लग रहा है इस पे भाई मुझे तो रिस्ट अच्छा लग रहा था और दूसरा ये अच्छा लग रहा था परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस में ग्रिल अच्छी लग रही थी पर रिस्ट थोड़ा ना एग्रेसिव लग रहा है तो लेट अस गो विद रिस्ट अब आना है मेरे लिवरी पे क्या क्या देखते हैं आई डोंट थिंक सो वी कीप एनी ऑन द कार बिकॉज सिंपल अच्छा लग रहा है इसमें अगर थोड़ा साइड वाला कुछ हो ना ऑफ सेट में तो वी माइट गो फॉर इट ओह रेड पिन स्ट्राइप अगर वो नाइन्टी नाइन में लिखा हुआ होता तो शायद से मैं गाड़ी की कोई और बिल्ड करता कभी तब ले लेता पर ना प्राइमरी का प्राइमरी लेकिन हाँ हा, सी हाँ डिफरेंट कलर कर लिया मैंने कलर चेंज करना पड़ेगा इसका सैक्सों फिर नहीं होगा इसका मतलब कौन सा वाला था एफॉट एट मिड नाइट था या गैलेक्सी या डार्क शायद गैलेक्सी था यही कर लेते हैं रूफ रूफ अरे बापरे डूल ऐसे रेंज रोवर में आ रहा है ना डूल चेंज करूँ क्या रेसिंग फिन ये पतला तो अच्छा नहीं लग रहा है स्टॉक रहने ओके रूफ में जैसे हमारा सामने हमने थोड़ा सा एग्रेसिव लुक दिया ऐसे ही हम इसकी छत को देंगे इंसर्ट भी कर सकते हैं पर हम्म ओके ओके इंसर्ट या फिर रिज्ड रिज सामने से मैच करेगी लेकिन रिज के साथ ये ना फिर ऑल ओवर छत का वो थोड़ा ऊंचा सा अलग सा दिखता है Skirts, आई मैन गो विद एक्सटेड्स ना स्पॉयलर ओके आई नीड डट्रैक्शन एंड आई विद डक ऑब्वियसली प्राइमरी डक टेल काबन तो शायद ज़्यादा हो जाएगा वेज ओके वेज में और इसमें क्या फ़र्क है अच्छा ये थोड़ा सा नीचे की तरफ कोने में हो रहा है ये थोड़ा वैसे ये उठा हुआ है

मुझे लगा बहुत टाइम इसे करने में आइडियली तो मेरे को व्हील चाहिए थे जो तुम्हारे सबसे नीचे ना इसमें मैश वाले लेकिन वो खोले हुए नहीं है जब कभी खोलेंगे तब आई चेंज द व्हील्स टू दे आर बी एमडब्ल्यू एस व्हील्स यू नो रिम्स सोफ बट फॉर नाउ काम चलाने के लिए एक तो मुझे नहीं पता था कि जो बेसिक व्हील है वो गोल्डन में आता है इसमें सो so, काम चलाने के लिए वियागोनो को विद सम अदर वी वी माइट गो we, we go, uh, देखो जाएंगे तो हम स्ट्रीट या स्पोर्ट्स में नॉट स्पोर्ट्स स्ट्रीट या ट्रैक में बिकॉज ये जो ऊपर के हैं ना वो थोड़े मुझे इतने खास लगते नहीं है अगेन पर्सनल प्रेफरेंस सो इन द एंड यू विल सी कि मैंने अभी के लिए कौन से व्हील्स चुने आई वाज कन्फ्यूज बिटवीन थ्री आइस स्टॉर्म के बीच में एंड देन देर वर के समथिंग या रिवर्स लेक एंड ऑल बट एट लास्ट जबकि मैंने ये वाला व्हील ले लिया था लेकिन अभी देखो मैं व्हील फिर अब चेंज करूंगा यू विल सी दैट व्हाट व्हील आई सेट सेटर दीज व्हील वर टू फ्लैशी सोविया गोनो गो विद ट्रोफेट कॉनकेव। एज ए सेट पिछला वाला व्हील बहुत फ्लैशी लग रहा था तो दैट्स इसमें थोड़ा क्रोमेंट एलिमेंट है बट दैट इज शूटिंग विद द यू नो कलर ऑफ द कार लेटर ऑन आई मेट चेंज दट बट फॉर नाउ आई एम गो न कीप दिस भाई गाड़ी तो लग रही है बेहद खूबसूरत ठीक है एंड इसमें थोड़ा सा लिप जैसे बाहर आ रहे हैं ना रिम का तो अच्छा लगता है बी एम डब्ल्यू ना हाँ हेर इज द प्लेट एंड नाव Like this car looks so beautiful, so elegant. Just looking like a wow. हाँ <laughs> uh, ये सब तो हमने शायद सब कर लिया है है ना? Uh, if I remember correctly, still I'll I'll give it check. Exhaust यार पता है exhaust अच्छा लग रहा है लेकिन तो stock भी अच्छा लग रहा है. Oval. <coughs>

अगेन एल से दिस कार इज सो प्रो ब्यूटिफुलट इज गो आउटसाइड आई नो हाउ रॉक स्टार गेट्स अवे विद दिस पर्सनल प्रॉपर्टी राइट द डिजाइन आई नो नो हाउ रॉक स्टार गेट्स अवे आई है भैया कुछ है तो नहीं बाहर एट टाइम्स वॉट दैट पीपल वेट आउटसाइड टू बलो यू अपने सनलाइट हिट्स द कार बी एमडब्ल्यू का और एक लेक्स का इन दो गाड़ियों के भैया कलर इतने ही प्यारे लगते हैं इतने ही प्यारे लगते हैं क्या बताऊँ कितने प्यारे लगते हैं मतलब Mercedes, आ, आ, boys, like, no, हमें बहुत अच्छा लगता है नहीं भाई मतलब देखो मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है, है कि बी एमडब्ल्यू और लेक्सेस भाई इनके कलर कोई बीट नहीं कर सकता ठीक है खासतौर से BMW का जो सिल्वर है बी एम का जो सिल्वर है और BMW का जो मेटालिक uh, ब्लू वाला जो कलर होता है ना जो बहुत ऐसा लगता है डीप है इज इज दैट इट लुक्स सो सीम्स लाइक वन कोई नहीं लेट अस सी उड़ जाएंगे तो उड़ जाएंगे ओके सो आई थिंक दैट रॉकस्टार से गलती हुई है कि दे हैव सम हाउ दे हैव मिसप्लेस्ड द आरपीएम एंड स्पीडो तो आरपीएम इन्होंने कर दिया है राइट में स्पीडो की जगह एन वाई सी वर्षा ओकेट इज ना टेक अ राइट हियर भाई दिस कार आई विल टेल यू दिस कार इज वेरी एजाइल वेरी एजाइल लाइक इट्स वेरी इजी टू कंट्रोल नाउ लेट अस लॉन्च द कार बिकॉज बहुत सारे ट्यून डीएलसी के कार में ये दिक्कत थी कि आप ना उनको डबल क्लच नहीं कर सकते थे प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग मैं आए तो मैं तो भाई इसको शुरू से डबल क्लच ही बोलता हूं ठीक है मेरे पास कोई स्पोर्ट्स कार नहीं है जो कि मुझे बिल्कुल प्रॉपर एग्जैक्ट टर्म पता होगा आई एम जस्ट नॉर्मल कार एन टूज ओके ओके अरे हाँ इसमें वीकेस्ट स्टांस भी तो था लेकिन like, आपने स्टांस लोअर कर दिया तो कितना नीचे अब डिफॉल्ट करो देखो कितना ऊपर है लोअर से अभी क्या फ़र्क पड़ता है कि लोअर से ना दो चीज़ें होती है एक तो द कार की हाई स्पीड बढ़ जाती है बट इवन दो कार की हाई स्पीड बढ़ जाती है बट द कार इज देन अबिट मोर स्लाइडी अबिट मोर यू नो बैक बैक एंड हैपी सो इट स्टार्ट

ऑपरेशन आ रही है कि लेट इस गो इनसाइड एंड लेट इस वेट इट आउट यहां की तरफ ना है ओके दैट ऑपरेशन इस कॉन नो लेट इस गो आउट ओह ओह शिट घुस गए गलत जगह थोड़ी देर में जाएंगे अब फिर अंदर पहले हमें अंदर जाना था आई थिंक आई 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 नीड टू चेक आउट वन थिंग आई थिंक दैट आई हैव नॉट स्लैम्ड द ओ वाओ यार लुक

change in direction is so easy and so nice and so smooth the car does not slip around here and there okay i the think ki mera na kuch shayad se suspension mera slammed nahi hai i have to check it out hmm, suspension i'll tell you later on why i think okay it is slammed i'll tell you why i think so uh, when we reach to lsi क्योंकि मैं जितने बताऊंगा इतना मैं LSI एस पहुंच जाएंगे वीडियो में तो इस वजह से मैं आपको एक दो तो मिनट यार कितनी प्यारी लग रही है गाड़ी माय oh गॉड

मैनी टाइम्स क्या होता है ना कि जब गाड़ी का जो आपका जो सस्पेंशन जब तक बिल्कुल नीचे जब होता है ना स्लैम्ड होता है तो द कार्स टू जम्प ऑन कबी रोड्स और एनी इवन स्लाइट स्लाइटेस्ट ऑफ द रेगुलरिटीज एंड बिकॉज ऑफ दैट द कार टेंड्स टू गो वाइड और स्लिप अराउंड एयर एंड देयर राइट इसमें वो नहीं हो रहा था तो जस्ट इज जस्ट टू यू विट अ बेनिफिट ऑफ डाउट और दूसरा ये भी था कि वैन द कार इवन वेन इट वॉज लैम्ड और नॉर्मली ऑल्सो वैन यू आर गोइंग ऑन इ रेगुलर रोड तो यूजअली द कार कर बूस्ट दिस वन वॉज नॉट डूइंग दैट मच अमाउंट ऑफ बूस्ट तो आई थॉट कि इट माइड बी की शायद से मेरा सस्पेंशन लैम्ड नहीं है सो दैट टू गो इन चेक एट आउट ओके ऑन लेट्स ऑन ओके स्टैंड अब यहाँ देखना कितना ऊपर नीचे होता है एक सी अंदर बैठ के इतना समझ नहीं आता सामने से देखो कितना अच्छा खासा होता है टायर बिल्कुल कैमर होके अंदर चले जाते हैं ओके ओके नाइस भाई देखो एटलीस्ट गाड़ी का जो टेक्सचर है वो तो अच्छा है नहीं तो आई एम टेलिंग यू कार्री मिलियन फॉर अ कार एंड द टेक्सचर्स इन बैक साइड विल बी सो बैड लाइक विल जस्ट लिमो पेंटेड

लाइको देखो कितने एट सो मच स्पीड लाइक सी सी कितने प्यार से लाइक इट इज़ हिटिंग द एपेक्स पेक्सेज यूजली नॉट ऑल कार्स कैन डू दिस इन ए 5 कि आप पूरी स्पीड में ये जो एयर एय एयर एयरपोर्ट के ऊपर ये जो है कर्ब कर्व्स आप हिट कर सको सो भाई मेरा रिव्यू गाड़ी का क्या है अभी तक तो आप समझ ही गए होगे दैट हाउ ऑस्ट्रक बाय दिस कार आई एम सो भैया कुछ मत सोचो आप खरीदो बात खत्म उससे आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ नहीं सो i hope that you guys liked the video i hope you guys liked the design of the car if you guys did like the video or the design then please video go like the channel ko subscribe karo. video come my family and friends share karo. and i'll see you guys in the next video till then bye-bye and take care everyone